मैं हूं संजना शुक्ला। मेरे आशान नाइटिंग में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को इस स्वेटर का बाजू लगाना बताऊंगी। देखिए इस स्वेटर को हम बना दिए हैं, इसे पिछले वीडियो में इसका गला बताए हैं और आज इसका बाजू लगाना बताएंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम टोपी लगाना बताएंगे। देखिए इसका गला बन गया है, यहाँ से हम यहाँ तक इसमें टोपी लगाएंगे। आज हम अपने वीडियो में बाजू लगाना बताने जा रहे हैं। किसी भी स्वेटर का बाजू एक ही जैसा लगता है। देखिए हम इसको बिनाई बॉर्डर बनाए हैं, बॉर्डर बना के ग्राफ डाले हैं। इस ग्राफ का भी वीडियो हम डालेंगे। उसके बाद से यहाँ से फंदा बढ़ाते गए हैं, छः छः सिलाई बुनाई करके एक एक फंदा बढ़ाए हैं। कोई भी हम बाजू बनाते हैं, किसी भी स्वेटर के, लेडीज या जेंट्स या बच्चा, किसी भी आदमी के स्वेटर बनाएंगे तो उसका लंबाई हम जैसे हमारा बॉर्डर से ले करके कंधा तक स्वेटर का लंबाई है। इसके बाद कंधा घटाए हैं, हमको बाजू लगाना होगा। तो हम बाजू पे जो कंधा घटाए हैं यहाँ से हम कंधा घटाए हैं, कंधा से लेकर के इस तरह से नापेंगे। तो हम नाप लेंगे तो हमारा ये इतना ज़्यादा है। स्वेटर के लंबाई से बाजू का बॉर्डर इतना लंबाई ज़्यादा है। देखिए इसका लंबाई इतना ज़्यादा है, बॉर्डर इतना लंबाई ज़्यादा है। तो हम इसको घटाना स्टार्ट करेंगे। जब भी हमको नापना होगा तो हम बॉर्डर को, इस बाजू का बॉर्डर है इसको हम हटा करके यहाँ से नाप लेंगे, इसको छोड़ देंगे। यहाँ से लेकर के कंधा तक नाप लेंगे, जहाँ से हम कंधा घटाए हैं वहाँ तक जब हमारा हो जा रहा है तब हम इसका घटाना स्टार्ट करेंगे। घटाने के लिए हम देखिए हम घटाना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ से हम सीधा बुनाई करते आए हैं, जब हमारा तीन फंदा बचा है तो हम वापस बुनाई करेंगे। हमको तीन फंदा बचा हुआ तो यहाँ तक नहीं आना है, वापस हमको इधर से फिर बुनाई करके यहाँ तक आना है। इसमें भी तीन फंदा के पास जब आएंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, इधर से बुनाई करते हुए यहाँ आ जाएंगे, हमको यहाँ तक नहीं आना है। बुनाई करते हुए आगे से आएँ, तीन फंदा था, एक दो तीन फंदा था, तो वापस फिर हमको यहाँ तक बुनाई करना है। देखिए हम इधर तीन फंदा छोड़ करके वापस बुनाई करते हुए आए, जब हमारा यहाँ पर एक दो तीन फंदा बचा हुआ है तो हम यहाँ तक नहीं बुनाई करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। हमको वापस आगे से बुनाई करना है। फिर हम बुनाई करते हुए हमारा छः फंदा बचेगा, एक दो तीन चार पाँच छः फंदा बचेगा, फिर हमको वापस बुनाई करना है। पहले हम तीन फंदा छोड़े, उसके बाद से छः फंदा छोड़ेंगे। देखिए हम बुनाई करते हुए हैं, आगे से जो हमारा तीन फंदा और है
फिर हमको पीछे से बुनाई करना है, हमको यहाँ तक नहीं आना है। पहले हम 3 फंदा छोड़ के गए थे, फिर 6 फंदा। इसी तरह से जब हम अब यहाँ पे आएंगे तो 9 फंदा हो जाएगा, फिर 12 फंदा हो जाएगा। देखिए हम इसमें यहाँ से फंदा 3 फंदा था तो वापस बुनाई किए हैं, फिर 6 फंदा, फिर 9, 12, 15 इस तरह से करते हुए जो हमारे बीच में 5 फंदा बचा है, बीच में जब 5 फंदा बचा है तो हमको यहाँ तक बुनाई करना है। फंदा छोड़ते हुए 3 फंदा इधर छोड़ रहे थे, फिर 3 फंदा इधर, इस तरह करते हुए बीच में जो हमारा 5 फंदा बचा है तो हमको बुनाई करके यहाँ तक आना है। इस तरह से पीछे से बुनाई कर देंगे उल्टा। कोई भी बाजू लगाते हैं, बाजू को हम इसी तरह से घटाएंगे तो हमारा एकदम कपड़ों के कटिंग जैसा बाजू बैठता है। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा फिर हम दूसरे वीडियो में बाजू बनाना बताएंगे। देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक जो बीच में हमारा 5 फंदा बचा है तो हम लास्ट तक बुनाई किए हैं। फिर देखिए हम लास्ट तक बुनाई कर दिए, 3 फंदा इधर छोड़ रहे थे, फिर 3 फंदा, 6, 9 इस तरह से छोड़ते हुए जो बीच में हमारा 5 फंदा बचा है तो बुनाई करते हुए यहाँ आ गए। हम इसको 2 फंदा में लगाएंगे, फिर सिलाई पे इस फंदा को चढ़ा के फिर 2 फंदा में लगाएं और आगे निकाल दिए, फिर सिलाई पे फंदा को चढ़ाएं, फिर 2 फंदा में लगाकर बुनाई कर दिए, फिर सिलाई पे चढ़ाएं 1 फंदा, फिर 2 फंदा में लगाकर बुनाई कर दिए। बुनाई हमारा हो गया, फिर इसी को हम सिलाई पे चढ़ाएं, फंदा को 2 में लगाकर बुनाई कर दिए। इस तरह से हम उसको उतार देंगे। अगर हमारा स्वेटर में 80-85 फंदा है तो हम बाजू में भी ऊपर कंधा तक बाजू उतारने तक हमको 80 फंदा हो जाना चाहिए। बढ़ाते हुए जब यहाँ से बुनाई करेंगे, यहाँ हमारा 40 फंदा है, बढ़ाते हुए गए हैं, जब हमारा 80 फंदा हुआ है तब उतार रहे हैं इसको। स्वेटर में 85 फंदा है और बाजू में पूरा हमारा टोटल 80 फंदा है, यहाँ से यहाँ तक 80 फंदा है। यहाँ हम 40 फंदा डाले थे, बढ़ाते हुए 80 फंदा करके उतारे हैं। इस तरह से हम इसको उतार देंगे। देखिए हम पूरा फंदा उतारते हुए लास्ट हमारा एक फंदा बचा, इसको भी उतार लेंगे। हमारा बाजू तैयार हो गया, देखिए इसका कितना अच्छा एक बराबर है। एकदम बराबर से बनाया हुआ है। इसी तरह से आप भी बनाइएगा बाजू। अगर जो आपसे नहीं बन रहा है तो फिर हम अगले वीडियो में फिर से दूसरे स्वेटर का बाजू बनाना बताएंगे। देखिए इसको बनाने के पहले हम 40 फंदा डाले हैं, उसका से बॉर्डर बनाए हैं, फिर अपना डिजाइन बनाए हैं। हम बॉर्डर के बाद से फंदा बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। बढ़ाते हुए हमारा स्वेटर का फंदा है 85 तो हम लास्ट तक यहाँ तक आए हैं, हमारा 80 फंदा है। कोई भी स्वेटर अगर आप बना रही हैं तो अगर ये 100 फंदा है स्वेटर में
तो बाजू में आपको होना चाहिए 95 फंदा। ऊपर तक जहाँ से हम बाजू घटाना स्टार्ट किए वहाँ तक होना चाहिए 95 फंदा। सब फंदा पे डाल रहे हैं स्वेटर का पल्ला, तो बाजू में 95 फंदा होना चाहिए। 85 फंदा का डाल रही हैं तो 80 फंदा हो जाना चाहिए। इस तरह से बैठ जाएगा स्वेटर में लगाइएगा तो। अगले वीडियो में हम आपको टोपी लगाना बताएंगे, इसका टोपी लगाना बताएंगे। सभी स्वेटर में एक ही जैसा टोपी लगता है। टोपी बनाना हम स्टार्ट कर दिए हैं, उसको अगले वीडियो में बताएंगे।